सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक गायत्री परिवार के परिजन के रूप में और भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। जब हम शांति कुंज के माध्यम से दुनिया भर में प्रचार के लिए जाते हैं और खास करके मैं उन दिनों को याद करता हूं जब परमवंदनीय माता जी हम लोगों को टोली के लिए विदा करते थे तो बहुत सारे निर्देश देते थे और वो प्यार भरे निर्देश आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उसमें चरित्र निर्माण से लेकर के वे सारी बातें समाहित होती थी जो हमें एक अनुशासन और मिशन की गरिमा को सर्वोपरि रखने का साहस भी देती थी और हमें एक अनुशासन में भी बांधती थी। इन्हीं अनुशासनों में शांति कुंज का संचालन हुआ। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार मिशन फला फूला बड़ा और आज एक विशाल संगठन के रूप में सबके सामने है। इतने बड़े विशाल संगठन का संचालन निश्चित रूप से एक चुनौती भरा कदम होता है। गायत्री परिवार में जो परिजन आते हैं वे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। कोई पंचकुंडी यज्ञ के माध्यम से जुड़ता है, कोई प्रवचन सुनकर के प्रभावित होता है, कोई संगीत सुनकर के प्रभावित होता है, कोई गायत्री परिवार से जुड़े परिजनों के उन्नति, उनके लाभ और उनके उत्कर्ष को देखते हुए आकर्षित होकर के जुड़ता है और सबसे ज्यादा जो जुड़ाव महसूस करता है वो परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य है जो हमें एक नया मार्गदर्शन देता है और हमारी हर समस्या का समाधान किसी न किसी पेज पर, किसी भी किताब को उठा लें उसके किसी भी पेज पर हमको, हम जो मन में सोच रहे होते हैं उस समस्या का समाधान लगभग उसमें मिल जाता है। इस तरह से भावुकता में कई लोग जो है वो जुड़ते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार होते हैं और उनकी भावनाएं होती हैं वे अचानक से निकल करके आ जाती हैं और उसके कुसंस्कार जो है वो कभी 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 हावी हो जाते हैं। पिछले दिनों जो घटनाक्रम देखने को मिला वो निश्चित रूप से इसी प्रकार के विचलित और अलग हुए लोगों का, जिन्हें आम जन जो है मूर्ख और विक्षिप्त लोग कहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा किया गया सीधा सीधा मालूम पड़ता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। दरअसल बाहरी भौतिकवादी जीवन और सुख सुविधाएं, उनसे भी कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं, अनावश्यक डिमांड करने लगते हैं, महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं, पद की इच्छा होने लगती है। कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो आदमी को अपने रास्ते से भटका सकती हैं और फिर आप कैसी संगतिकरण कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आदमी जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप ऐसे, खास करके सोशल मीडिया के जमाने में जो अभी ग्रुप देखने को मिल रहे हैं और तमाम प्रकार के पेज चल रहे हैं, उसमें ठीक ऐसे विचारधारा के लोग आकर्षित होकर के उससे जुड़ते चले जाते हैं और अपना सब कुछ खत्म कर बैठते हैं। हमारा युवाओं से जुड़ने का 23 वर्षों का अनुभव है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग मानसिकता के युवा आए हैं, बहुत कच्चा मन होता है और वे गलत चीजों के प्रति बहुत तेज गति से आकर्षित होते हैं। किसी को गाली देना हो, किसी का चरित्र हनन करना हो, कोई ऐसा संगठन बनाना हो जो टांग खिंचाई करता हो,
या कोई ऐसा संगठन बनाना हो जिसमें किसी को नीचा दिखाने का काम हो, बहुत आसानी से उसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं होती, लेकिन परिवार के संस्कार कहीं कमजोर रह जाते हैं या जो संगतीकरण है वो खराब हो जाता है। तो युवा मन को संभालना, उसके ऊपर संस्कारों की चादर ओढ़ाना और उसको हमेशा एक अच्छे वातावरण में, अच्छे विचारों के संगत में रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने नियमित स्वाध्याय की बात की थी। अब कई लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और भावनाओं में बहे हैं और वातावरण को देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए वो परिजन जो परिजन के रूप में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन चूंकि समझ कम होती है तो बहलाने फुसलाने में बहुत जल्दी आ जाते हैं और किसी ने कुछ कह दिया उसको सही मानने लगते हैं। तो असल क्या होता है कि जब आप किसी संस्था का संचालन करते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं तो सब लोगों से मिलना भी संभव नहीं हो पाता, सब लोगों से विचार विमर्श करना भी संभव नहीं होता, और खास करके जब करोड़ों लोग हों तो इतने सारे लोगों से सलाह करके, मशवरा करके ही किसी चीज का जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, इतना आसान नहीं होता। दूसरा, जो कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं या जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, उनकी भी अपनी एक सीमा है, ज्ञान की भी सीमा है, अनुभव की भी सीमा है। और जो गायत्री परिवार के जो पहले कार्यक्रम होते रहते थे कि बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें आयोजन की रणनीति बनानी है, आयोजन करने हैं, और एक तरह से जो तमाम श्रद्धालु आते हैं, तमाम लोग आते हैं, उनका मैनेजमेंट करना है, तो उसमें उसमें एक अनुभव अलग प्रकार का लगता है। और जब आप युवाओं को डील कर रहे हैं और युवाओं के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो युवा मन भटकाव की तरफ बहुत आसानी से जाता है, ऐसे लोगों को डील करना बिल्कुल अलग होता है। और वो बाहरी माध्यम से, और जब से सोशल मीडिया आया है तब तक एक जो आइसोलेशन और जो पहले बाहर के वातावरण से जो अछूतापन था वो अब रहा नहीं। टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और इनमें कोई सेंसरशिप नहीं है, ये रियल टाइम पब्लिश भी करते हैं। आप जो विचार करते हैं वो आपने विचार लिखा, वो पब्लिश हो गया। अब आपको पछतावा हुआ, आप अपना विचार बदलना भी चाहते हैं तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, और वो दिखेगा सबको। रियल टाइम पब्लिश होना एक अपने आप में दुधारी तलवार है। अगर आपने सही चीज पब्लिश कर दी तो आपको श्रेय मिलेगा, आपने सही चीज पब्लिश नहीं की तो आपको अपयश मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बार यदि आप विरोध में चले गए और सब लोगों की निगाह में आ गए तो अब आप सुधरना भी चाहते हैं तो आपके पास आपका अहंकार, आपका ईगो जो है वो आपको मौका नहीं देगा। तो सोशल मीडिया का बहुत कम लोग सदुपयोग कर पाते हैं। इसी कारण जो है सुप्रीम कोर्ट एक तरह से राइट टू एक्सप्रेशन की बात जब 66A में करता है तो वो काफी छूट देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन साथ साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतना ही कर सकते हैं जिससे कि दूसरे को दिक्कत ना हो। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है कि जो दूसरों को परेशान ना करे। अब जो संचालक हैं या कोई बहुत बड़े पद पर बैठे हैं और पूरे मिशन का काम देख रहे हैं, इतने बड़े लोगों को ना तो सोशल मीडिया में समय बिताने का मौका मिलता है, ना वे नीचे उतर करके इस तरह से कोई आईडी बना करके जवाब दे पाएंगे। तो आप एक तरफा चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं। आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि ये जो है ये क्राइम है, ये साइबर क्राइम है। अलग अलग व्यक्ति का बुरा लगने का और अवमानना होने का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। कोई व्यक्ति माफ करता जाता है, माफ करता जाता है, आप उसकी सरलता को, सदाशयता को कमजोरी मान लेते हैं। कई बार उसको पता नहीं होता व्यक्ति को, कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो कमजोर है जबकि वो कमजोरी नहीं है, वो सदाशयता है, सरलता है। तो सदाशयता और सरलता को कमजोरी मानना मुझे लगता है कि ये बेवकूफी होगी और ये कोई विक्षिप्त और मूर्ख व्यक्ति कर सकता है, और वही हुआ।
अब कानून जो बने हुए पॉस्को है या तमाम जो महिलाओं से जुड़े हुए कानून हैं, दहेज वाले कानून हैं, एट्रोसिटी वाले कानून हैं, ये कमजोर लोगों के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इनको ताकतवर बनाया गया है। कमजोर व्यक्ति को इसलिए ताकत दी गई है क्योंकि जो समर्थ व्यक्ति है वो उसको परेशान कर सकता है, गवाह को परेशान कर सकता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकता है, सबूतों को मिटा सकता है, इसलिए उसमें गैर जमानती वारंट से लेकर के तरह तरह की सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन ऐसे कानूनों के साथ में जो न्यायालय है, जुडिशरी है, उसके डिस्क्रिमिनेटरी पावर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, विवेकाधिकार शक्तियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनका दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर होता है। हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो झूठी शिकायतें निकलती है, झूठी FIR निकलती है। अच्छा, इसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, मीडिया की अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है वो सारे के सारे न्यायालय में समाहित हो जाते हैं और वहीं जाकर के वो जिम्मेदारी वाली बात आती है। ऐसे ढेरों उदाहरण जिसमें किसी अखबार ने, किसी न्यूज़पेपर ने, खास करके पिछले दिनों जो ये घटना देखने में आई है, जो इस कानून का जिस तरह से इन लोगों ने जो है उपयोग करने की कोशिश की, दुरुपयोग करने की कोशिश की है, उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया ने समझदारी दिखाई है और एक दो जो कुछ छुटपइये टाइप के जो चैनल हैं उन्होंने कोशिश की है कि हम कैसे भी करके अपनी एक जगह बनाएं और उसको हाइप देने की कोशिश की। दरअसल जिस स्तर के व्यक्ति हैं उन्होंने अपने स्तर के लोगों को चुना है और अपने स्तर के मीडिया और अपने स्तर के चैनल को और न्यूज़पेपर को ढूंढने की कोशिश की है। और उन्होंने देखिए, हमने लगभग हजारों लोगों को जेल भिजवाया है विभिन्न प्रकार के अपराधों में, लोगों की खूब मदद की, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, शिकायत वाला प्लेटफॉर्म भी हमने यूज़ किया है, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल को यूज़ किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स यूज़ किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के यूज़ किए हैं, पुलिस के यूज़ किए हैं और जिला पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ और तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करके इन लोगों को अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने बात करने आया हूं, तो मैं अपने परिजनों को, गायत्री परिवार के परिजनों को ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागृत होने की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को किसी न किसी रूप में माध्यम बना करके, दरअसल गायत्री परिवार में हम प्रज्ञा शब्द बहुत यूज करते हैं, युग के अनुरूप प्रधान ज्ञान, और अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए क्या हम मिशन की गरिमा को बचा सकते हैं, मिशन में फिर से अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। हम लोग जब बचपन से जब शांति कुंज जाते थे तो एक गजब का अनुशासन देखने को मिलता, उसका अपना एक आनंद था, और वो अनुशासन जो है वो फिर से स्थापित हो, फिर से लोग जो हैं वो गरिमापूर्ण व्यवहार करें। हमने तो कोटेशन भी देखा, निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन ही हमारी परिभाषा है। अब आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, मैं जानता हूं मैं यूनिवर्सिटीज से भी जुड़ा हुआ हूं, मैं कॉलेजेस में भी जाता हूं, प्रोफेसर भी रहा हूं, प्रशासनिक सेवाओं में भी रहा हूं, मुझे युवाओं का मन अच्छी तरह से पता है। दरअसल जब आप उनकी इच्छाओं को, कामलिप्साओं को, तमाम प्रकार के इस तरह के जो वो लड़कियों के साथ रहना चाहते हैं, आवारागर्दी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लड़कों को जब आप रोकते हो ना, तो ईगो भी हर्ट होता है, शरीर के अंदर एक तरह का विद्रोह पैदा होता है, वो उसका खुद का शरीर उसके अंदर लड़ता है और वो अपने ऐसे दोस्तों को इकट्ठा करता है, षड्यंत्र करता है। एक प्रोफेसर के तौर पे भी हमको चुनौती देखने को मिलेगी और वो हम बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं तो क्लास में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा वो, और वो लड़कियों के सामने हीरोगिरी दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो इस प्रकार की जो अनुशासनहीनता करते हैं, इस प्रकार का जो घटिया काम करते हैं, ऐसे लोगों को तो फिर निकाला जाएगा, ऐसे लोगों को सब संदेश दिया जाएगा। अब हम जो बाहर वाले सिस्टम में जब काम करते थे, अब शांति कुंज और उसकी यूनिवर्सिटीज, और वहां पर तो एक थोड़ी गरिमा है, वो लोग बड़े सरल है और विनम्र है, तो वो लोग अपनी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन हम तो अगर कहीं बाहर होता है सीधा जेल भेजते हैं, सीधा FIR करते हैं, सीधा उसको अंदर करते हैं। तो अब उनके साथ तो वैसा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वो उसको सदाशयता को, सरलता को जो है वो कमजोरी मान लेते हैं और
इस तरह का व्यवहार जारी रखते हैं जो बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। अब ऐसे लोग जब बाहर कर दिए जाते हैं या उनको चेतावनी दी जाती है या सार्वजनिक रूप से कहीं उनको कुछ कह दिया जाता है तो वो बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं जानते कि जब कानून का शिकंजा कसेगा, जब पुलिस वाला आपके घर जाएगा, पुलिस वाला आपकी इंसल्ट करेगा, पुलिस वाले अधिकांश गाली देके बात करते हैं, रिश्वत मांगते हैं। पुलिस को आप जानते हैं हमारे देश की पुलिस कैसा काम करती है। अभी कोरोना के काल में वो सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन सामान्य दिनों में आप जो पुलिस का व्यवहार देखते हैं उसमें किस प्रकार का व्यवहार होता है, वो क्या करते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है उन लोगों के लिए, उनके घर परिवार लोगों के लिए वो कितना इंसल्टिंग होता है। कई बार पैसा खर्च हो जाता है उन लोगों का, वकील कितना गुमराह करते हैं, वकीलों के माध्यम से जब आप कोर्ट में केस लड़ेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, कितनी परेशानी आएगी, बच्चे ये नहीं जानते। बाद में वो सुधर जाते हैं, जब हमने ऐसे कुछ लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई की तो उनके माता पिता शुरू में तो नाराज हुए कि आपने ये क्या कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, इनका करियर बर्बाद कर दिया, लेकिन वो बच्चे कोई फोटोकॉपी की दुकान चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपना घर का काम कर रहा है। हमारे सामने जब हमने ऐसे बच्चों को कार्रवाई, एक दो शादीशुदा बच्चे थे तो उनके ससुर भी जो है वो गिड़गिड़ाने लगे कि देखिए हमारे दामाद के खिलाफ ऐसा मत करिए, लेकिन बाद में वो आए, धन्यवाद दिया, बोले नहीं अब वो काम पे लग गए हैं, पहले भांग खाते थे, इधर उधर गलत संगत में रहते थे, हमारे दामाद सुधर गए, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो सुधार तो आता है लेकिन दंड मिलने के बाद आता है। तो गायत्री परिवार मिशन की अपनी एक गरिमा है, एक अनुशासन है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो परिजन हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि वो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो अपने परिजनों के साथ करें या अपने स्टूडेंट्स के साथ करें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ करें, लेकिन उन्हें समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया के साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ में युक्तियुक्त निर्बंधन है और वो उसका पालन सबको करना पड़ेगा। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक कि दूसरे की गरिमा का हनन आप नहीं करते। जहां आप दूसरे की गरिमा का हनन करना शुरू कर देते हैं आपके साथ हो जाती है, आपके ऊपर निर्बंधन लागू हो जाते हैं और वो उसके लिए सजा के प्रावधान है। अभी इन दिनों में अफवाह फैलाने के ऊपर बहुत सारे प्रावधान है, आप अफवाह नहीं फैलाएंगे। कोरोना के दिनों में अफवाह फैलाना बहुत खतरनाक चीज है। इसी तरह से तो सोशल मीडिया बड़ी दुधारी तलवार है, प्रधानमंत्री भी इसको कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं। और सोशल मीडिया में आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया ज्यादा नहीं चल रहा है, न्यूज़पेपर ज्यादा नहीं बिक रहा, तो अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर डिपेंड कर रहे हैं। तो वो लोग जो है इसके दुरुपयोग से परिचित हो रहे हैं लोग। मैं आज आपके सामने एक बात बताने वाला हूं कि जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे होते हैं, कभी आप कलेक्टर हैं, SP हैं, या आप जज हैं, या आप नेता हैं, यानी कोई बहुत बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या किसी संस्था के प्रमुख हैं, तो आपकी शक्तियां बड़ी लिमिटेड होती हैं, आपके विशेषाधिकार भी कम होते हैं। आपको लगता है कि हमको लगता है सामान्य व्यक्तियों को कि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर होते हैं, नहीं उनके पास उतने पावर नहीं होते। आप और हमारे पास में जो हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं, हम लोग एक नागरिक के रूप में हैं, हमारे पास ज्यादा क्षमताएं हैं, हमारे पास ज्यादा ताकत है, हम स्वतंत्र हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखने के लिए, किसी भी व्यक्ति की शिकायत करने के लिए। हमको लगता है कि यहाँ अनुचित हो रहा है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि इतने बड़े तंत्र पर हमला हो रहा है, इतने बड़े व्यक्ति पर लांछन लगाया जा रहा है, इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से कोई ना कोई कर रहा होगा, निश्चित रूप से बड़ा तंत्र काम कर रहा होगा, कोई बड़े लोग आकर के जो है उसमें बचाव कर रहे होंगे। हम अपनी नागरिक क्षमताओं को भूल जाते हैं। मैं आज अपने परिजनों को, गायत्री परिवार के परिजनों को, मेरे भाइयों और बहनों को और नागरिकों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों की ताकत विशेष लोगों से ज्यादा ताकत है। हमारे पास ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, हम ज्यादा लोगों को मैसेज कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों को ईमेल कर सकते हैं, हमारे पास इन सब के स्क्रीनशॉट्स हैं। आप में से जो भी इन लोगों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, इन बदमाशों को जिन्होंने मिशन की छवि को खराब करने की कोशिश की, गायत्री परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, शांति कुंज हरिद्वार पर अनर्गल आरोप लगाए, व्यक्ति की, दीदी की, डॉक्टर साहब की,
दरअसल अलग से कोई इमेज नहीं है, हम सब एक कलेक्टिव इमेज में काम करते हैं, हम सब परिजन हैं, हमारे प्रत्येक परिजन। इसलिए हम जब किसी भी एक परिजन को गलत काम करता हुआ देखते हैं तो पूरे मिशन को उसका कष्ट होता है, पूरा मिशन जो है उससे दुखी होता है। हम सबकी कोई अलग इमेज नहीं है, इसलिए हम सबको सामूहिक रूप से इसका प्रतिकार करना चाहिए। दुर्बुद्धि से ग्रसित लोग, विक्षिप्त लोग, मूर्ख लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर समुदाय में मिल जाएंगे। और ऐसे लोगों को इग्नोर करते रहने का परिणाम ये होता है कि वो समस्या विकराल हो जाती है। तो हम लोग जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो तब तरह तरह के कानूनी उपाय तो हमारे पास और खुल जाएंगे, तब न्यायालय में जाने का और जो क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन वाला क्रिमिनल वाला जो हम लोग अवमानना डिफेमेशन का केस लगा सकते हैं, वो क्रिमिनल डिफेमेशन लगा सकते हैं। और तब हम न्यायालय में अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से जा सकते हैं और अपने अपने पुलिस थानों में साइबर क्राइम के जो अलग से थाने होते हैं उनमें साइबर अपराध के थानों में जा करके शिकायत कर सकते हैं। आप अपने अपने स्तर पर जहां उचित समझते हैं वहां इसकी शिकायत डाल सकते हैं, क्योंकि दरअसल अनुशासन स्थापित करना केवल संस्था प्रमुख का और संस्था के प्रधान का ही काम नहीं होता, वहां के व्यवस्थापक मंडल का ही काम नहीं होता। दरअसल नागरिक भी अपने आप में, समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। दरअसल हम सोशल कंट्रोल जो है वो भी, दरअसल हम लोग किसी को सड़क पे चलते हुए देखते हैं तो गाली देते हुए क्यों नहीं जाता, वो नाचते हुए क्यों नहीं जाता, वो नाचते हुए गाली देते हुए सड़क पे इसलिए नहीं जाता कि उसके सामने एक दुविधा होती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जो हमको देख रहे हैं वो क्या कहेंगे। और जब उसको कोई कुछ नहीं कहता तो वैसी हरकतें करने लगता है। यही कारण है कि सब शराब को सामाजिक मान्यता मिली हुई है एक तरह से। अब लॉकडाउन में जो है वो सरकार ने शराब की शुरुआत कर दी, क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है उसका। तो समाज में दहेज का एक्सेप्टेंस होता है तो वो शुरू हो जाता है। तो जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है ऐसी गलत प्रवृत्तियों के प्रति तो वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है, तो हमें प्रतिकार करना चाहिए। तो ऐसे कुछ पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, ऐसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो चल रहे हैं और मिशन विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और वो मिशन के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। दरअसल ये सब आगे जाकर के फेल हो जाएगा, हो सकता है वो माफी मांगे, लेकिन समस्या है कि आज तो हम लोगों को वो आहत कर रहे हैं, हमारे मन को आहत करते हैं, हमारी भावनाओं को आहत करते हैं। तो जो भी मन को भावनाओं को आहत करते हैं ऐसे लोग जो समस्याएं खड़ी करते हैं, दरअसल ये सृजनात्मक कुछ भी नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी कहीं नहीं है। ऐसे लोग समाज को कुछ दे नहीं सकते, ना पीड़ा पतन का निवारण कर सकते हैं, ये लोग सिर्फ कष्ट दे सकते हैं। ये आज यहाँ कष्ट दे रहे हैं, कल दूसरी जगह देंगे। ऐसे लोगों का दिमाग ठीक होना जरूरी है, हमने हजारों लोगों का किया है, इन लोगों का भी करेंगे। और आप में से जिस किसी को भी इसकी सहायता होगी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो जो आप लोग देखेंगे उसके नीचे हमारे नंबर होंगे, हमारे से कॉन्टेक्ट करने का तरीका होगा। आप परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार हैं उन पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। आज हम जो आपसे बात कर पा रहे हैं, ये जो संभाषण है, ये हमने वही एक मासिक सत्र, त्रैमासिक सत्र से शांति कुंज से ही सीखा है और शांति कुंज के ही वक्ताओं ने, वहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने ही हमको संभाषण करना सिखाया है। और हम आज आपके सामने उन्हीं की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की वजह से ही आपसे बात कर पा रहे हैं। और ये हमारे अंदर के उपार्जित विचार हैं जो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। दरअसल जो वकील हैं, न्यायालय है, पुलिस, मीडिया है, ये हमारे समाज में जो चीजें चल रही होती हैं, जो उठ रही होती हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो अगर ये पक्ष जो है विरोध कर रहा है और ये पक्ष यदि चरित्रहनन करने पर और मिशन को बिल्कुल बदनाम करने पर तुला हुआ है, तो ऐसे में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम किसी न किसी रूप में अपना योगदान जो है मिशन की गरिमा को बनाए रखने में। हालांकि मिशन की गरिमा परम पूज्य गुरुदेव की वजह से बनी हुई है, शांति कुंज की अपनी एक गरिमा है, गायत्री परिवार के मिशन की गरिमा इतनी आसानी से टूटती नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर जो है वो किसी न किसी को निमित्त बनाता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। आज वो मौका आया है कि आप और हम सब उसका माध्यम बने। हम लोग अगर इस तरह से
निमित्त नहीं बनते, माध्यम नहीं बनते, तो हमने 22,000 लोगों की जो जन समस्याएं सुलझाई अपने तमाम अनुभवों के आधार पर, वो नहीं सुलझा पाते और हम अपने कामों को गति नहीं दे पाते। निश्चित रूप से हम तभी सफल हुए हैं क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश है हमारे मन के अंदर से जो निकलता है वो विचारों के रूप में निकलता है, और उन विचारों को यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, आमूलचूल तौर पर उसको कार्यान्वित नहीं करते, तो फिर जो है अगर वो आपके मन के केवल विचार बन के रह जाते हैं और अगर आप उस पर अमल नहीं करते, आचरण में नहीं लाते, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और आचरण में लाने का मतलब है एक्शन में लाना। तो ये एक संदेश है। एक और चीज है कि ये जो बात हम कह रहे हैं ये बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं, और इसके पीछे ज्ञान की विभिन्न धाराएं हैं। हमने लगभग सिविल सर्विसेज में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, उन सबके अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। अब इस वीडियो के साथ में एक संदेश और कठोर संदेश ये है कि आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमको कमेंट बॉक्स में कहीं कोई निगेटिविटी दिखाई देती है, ये धमकी नहीं है, ये एक तरह की ऐसे लोगों को एक समझाइश है, अगर इस पर कोई गंदगी फैलाने की कोशिश की, इसमें अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, तो तीसरे दिन चमत्कार देख लीजिएगा फिर आप। और वो प्रत्यक्ष वाला होगा, वो सूक्ष्म नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष वाला होगा। और आप में से कोई भी इसको इसका इसका मजाक ना बनाए और इसको गंभीरता से लें। अगर आप कुछ कर सकते हैं मिशन के हित में, गायत्री परिवार के हित में, तो निश्चित रूप से करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन कोई गलती करने की कोशिश की तो फिर उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारे पास तो पूरा ओके और टेस्टेड मामला है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कहां तक मानते हैं और कितना अमल में लाते हैं और सुख सौभाग्य के भागीदार बनते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।